अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिविंग इट अप विद बीनेश। आज हम बना रहे हैं जर्दा। जर्दा बनाने के लिए 1.5 कप हम यूज करेंगे बासमती राइस। मैंने इनको 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और अच्छे से वॉश कर लिया। हम इनको करेंगे बॉईल। चीनी यूज करेंगे 1 कप प्लस 3/4 कप। 1/2 कप यूज करेंगे कैंडीड फ्रूट। 1/4 कप यूज करेंगे देसी घी। शुगर सिरप बनाने के लिए यूज करेंगे 1 कप पानी। 4 यूज करें लौंग। 4 ही हम ग्रीन इलायचियां यूज करें। 1/4 टीस्पून यूज करेंगे येलो फूड कलर। अब आ जाते हैं हम ड्राइड फ्रूट्स की तरफ। 1 टेबलस्पून यूज करी हूँ रेजन्स का। 1 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ पिस्टैशियोस का। 1 ही टेबलस्पून स्लाइस्ड ड्राइड कोकोनट। 1 टेबलस्पून के करीब मैं यूज कर रही हूँ अनसॉल्टेड कैश्यू नट्स। 1 ही टेबलस्पून के करीब हम यूज कर लेंगे बादाम। इनको बीच में से किया हुआ है स्लाइस। पहले तो क्या करेंगे, हम चावलों को बॉयल करने के लिए स्टोव पे रख देंगे पानी। एक कुकिंग पॉट में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। आपने इतना पानी लेना है कि अच्छे से बॉयल हो जाए। हम इनमें कर देंगे चावल ऐड। चावल ऐड करते ही आप इसमें ऐड कर देंगे येलो फूड कलर और एक दफा इसको मिक्स कर लें। अब हम वेट करेंगे चावल के बॉयल होने का। एक और कुकिंग पॉट हम लेंगे और उसमें हमने ऐड कर पानी और ऐड करेंगे इसमें शुगर। शुगर सिरप बनाने के लिए जैसे ही एक बॉयल आएगा आपने बिल्कुल इसको लो के ऊपर करके पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक आपके चावल पकते हैं तब तक शुगर सिरप भी पकता रहे। चावल हमारे तकरीबन बॉयल हो गए हैं। आपने क्या करना है कि आपने चावलों को निकालना है, पूरा इनको कम्प्लीटली नहीं पकाना। इसकी एक कनी छोड़ देनी। ज्यादा बॉयल करेंगे तो जब आप इसको शुगर सिरप में डालेंगे तो ये टूटेंगे। रेडी हो गया है, मैं इनको करने लगी हूँ स्ट्रेन। जिस स्टेनलेस स्टील के बर्तन में आपने पकाए थे चावल उसी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। देसी घी ऐड करके साथ ही आप ऐड कर देंगे ग्रीन इलायचियां और लौंग। इनको हम हल्का सा कर लेंगे साथ है। ग्रीन इलायची डालने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप थोड़ी सी ना इलायचियों को खोल लें ताकि उसके जो सीड्स हैं फ्राई हों। जैसे लौंग की और इलायचीज की खुशबू आने लगे आप शुगर सिरप को कर देंगे ऐड। शुगर सिरप ऐड करके विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हम जो उबले हुए हमारे चावल थे हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करके आप हल्का सा हाथ से इसको कर लें मिक्स। फ्लेम को आप हाई कर दें। अब मैं क्या कर रही हूँ कि हाफ ऑफ द ड्राइड फ्रूट्स जो हैं वो हम इसके अंदर कर देंगे ऐड, बाकी के हाफ हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। इसमें आपने ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, एज नीडेड आप इसके अंदर अगर आपको लगे कि नीचे लगने लगा है तो आप इसको हल्का सा ऐसे ऐसे कर दें सारे 4 कॉर्नर से हाई फ्लेम पे। आपका जो शुगर सिरप है उसको सुखा लेना है। स्पून से चावलों को ऐसे हटाकर देखेंगे, मोस्ट ऑफ द शुगर सिरप जो है वो चावलों ने कर लिया अब्जॉर्ब। अब क्या करेंगे, जो कैंडीड फ्रूट है इसके ऊपर कर देंगे। फ्लेम को हमने कर देना है लो पे, चावलों को लगाना है दम। इस तरह हम इसका दे देंगे रेट, इसको दम लगा लेंगे फॉर 20 मिनट्स। सो 20 मिनट्स हो गए हैं, चावलों का दम खोल दिया है और अब हम चावलों को हल्का सा हिला लेंगे। ज़र्दा रेडी हो गया था, मैंने इसको कर लिया डिश आउट। आई होप आपको ये ज़र्दे की रेसिपी पसंद आएगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू लिविंग इट अप विद बीनेश। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अदर्स। अल्लाह हाफ़िज़।